हेलो बच्चों, क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज के इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, देयर आर 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, आज इसको करते हैं। तो ए बी सी डी 4 सेट्स गिवन है, हमें ये दो चीज वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मींस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू सेम आ जाएगी तो वेरीफाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट वाले का लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, ए की वैल्यू रख देते हैं 1.2, एंड यहां पे बी इंटरसेक्शन सी है, मींस हम यहां पे वो वैल्यू रखेंगे जो बी और सी में कॉमन होगा। तो देखते हैं बी है यहां, सी है यहां, बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। तो इसके अंदर हम कुछ नहीं रखेंगे, तो या तो ऐसे करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए या सिंपली यहां पे फाई लिख दीजिए। और बताइए फाई के साथ किसी कार्टेशियन, किसी सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फाई ही आएगा भाई। वन को किसके साथ हम करेंगे, या तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखे फाई आया। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है। राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी पहले हमें लिखना होगा, ए ये है बी ये है ना, तो एक एलिमेंट को बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो वन लेंगे तो इन 1, 2, 3, 4 चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, मतलब 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता ही है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, अब 2 भी बच गया, 2 को भी इन चारों के साथ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 ये आ गया ए क्रॉस बी। अब नाउ इंटरसेक्शन, अब ए क्रॉस सी, ए ये है सी ये है, तो 1 का 5, 6 के साथ ऑर्डर पेयर 1, 5, 1, 6, फिर 2 का 5, 6 के साथ ऑर्डर पेयर 2, 5, 2, 6 ये बन गया। तो ये ए क्रॉस बी और ये ए क्रॉस सी, देखिए इस दोनों में कोई 1, 5 इसमें कहीं है 1, 5 नहीं है, 1, 6 नहीं है, 2, 5 नहीं है, 2, 6 नहीं है, तो इन दोनों का भी कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, कोई डाउट। अब सेकेंड वाला वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। अब हम सेकेंड वाला वेरीफाई कर लेते हैं। सेकेंड वाला वेरीफाई करने के लिए हमें ए क्रॉस सी निकालना होगा और बी क्रॉस डी पहले निकालना होगा। तो ए क्रॉस सी निकाल लिया जाए, ए ये है सी ये है, 1, 2, 5, 6 मतलब 1 का 5 और 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 का 5 और 6 के साथ ऑर्डर्ड पेयर। अब बी क्रॉस डी निकाला जाए, बी कहां है ये, डी है ये, 1 का इन चारों के साथ 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, फिर 2 का इन चारों के साथ 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, फिर 3 का इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, फिर 4 का इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8 ये हो गया। अब यहां पे क्लियर मामला है कि ए क्रॉस सी को बी क्रॉस डी का सबसेट दिखाना है। तो आप चेक कर लीजिए कि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में प्रेजेंट हैं। तो ए क्रॉस सी के ये 4 एलिमेंट हैं, देखा जाए इसमें है कि नहीं।
वन फाइव मिल गया, वन सिक्स मिल गया, टू फाइव मिल गया, टू सिक्स मिल गया, चारों एलिमेंट्स मिल गए। तो आप लिखेंगे सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी, सो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, हेंस वेरीफाइड। नोट करिए, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे देखिए इसमें तीन क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन नंबर 8 में ही तीन क्वेश्चन हैं। देखिए पहले तो हमें ए और बी दो सेट दे दिया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ए क्रॉस बी। सबसे पहले आइए ये काम हम लोग कर लेते हैं। ए क्रॉस बी मींस ए का एलिमेंट क्रॉस बी का एलिमेंट। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। पहला काम तो हो गया, आगे पढ़िए। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, भाई जितने सेट में एलिमेंट होते हैं उसको 2 के पावर लगाते थे, वही काम इसमें भी करेंगे। सेट में क्या करते थे आप, जैसे ए अगर कोई सेट रहता था ए, उसमें 4 एलिमेंट रहते थे तो कितने सबसेट होते थे? 2 के पावर 4। तो ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है और इसमें कितने एलिमेंट है? 4। तो इसके भी सबसेट कितने ही होंगे? 2 के पावर 4 मतलब 16। कॉन्सेप्ट वही लगेगा। चलिए ये वाला भी हो गया, हाउ मेनी सबसेट विल, ये भी काम खत्म। अब बोल रहा है लिस्ट देम, ये 16 कौन कौन से होंगे ये भी लिखना है। तो आइए लिख लेते हैं सबसेट। बताइए सिंगल सिंगल पहले लिया जाए, मतलब 1 3 को एक कर ली ब्रैकेट में, 1 4 को एक कर ली ब्रैकेट में, 2 3 को एक कर ली ब्रैकेट में, 2 4 को एक कर ली ब्रैकेट में, सिंगल सिंगल हो गया। अब डबल डबल करते हैं, या कर ली अभी यहाँ ये सही है। अब डबल डबल करते हैं, माने 1 3 को 1 4 के साथ लिखे, 1 3 को अब 2 3 के साथ लिखेंगे, 1 3 को 2 3 के साथ लिखे, अब 1 3 को 2 4 के साथ लिखेंगे, ये हो गया। अब ये उठाइए 1 4 1 4 को 1 3 के साथ लिखेंगे, तो 1 4 को 1 3 के साथ तो लिख ही चुके हैं, 1 4 को अब 2 3 के साथ लिखेंगे, 1 4 को 2 3 के साथ लिखेंगे, ये तरीका है, इसमें एक भी मिस नहीं होगा। अब 1 1 1 उठाइए सबके साथ लिखिए, 1 4 को 2 4 के साथ लिखेंगे, 1 4 को 2 4 के साथ लिखेंगे, इनका काम हो गया इनका। अब इसको उठाइए बाकी के साथ लिखिए, तो 2 3 को 1 3 के साथ लिखिए, तो लेकिन हम लिख चुके हैं यहाँ पे, और 2 3 1 4 के साथ लिख चुके हैं, 2 3 2 4 नहीं लिखे हैं तो उसको लिख दीजिए 2 3 2 4, इनका हो गया काम। अब जब आप इसके पास आएंगे तो ये तो सबके साथ आ ही चुका होगा, 2 4 1 3 के साथ आ चुका है, देख लीजिए 2 4 1 4 के साथ आ चुका है, 2 4 2 3 के साथ आ चुका है, तो दो दो वाला भी हो गया काम। अब हमें 3 3 का पे 3 3 का ट्रिपलेट बनाना है ना, तो इसको देखिए यहां ऊपर लिख देते हैं, देखिए अब 3 3 का, अब पहले 3 को लिखिए, ये पहला 3 हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए लास्ट 3 को लिखिए, ये हो गया। अब इसको भी छोड़ दीजिए, इन दो और पहला वाला लिखिए, लास्ट का दोनों और फर्स्ट वाला लिखिए। अब इसको भी छोड़ दीजिए, अब ये और पहला दोनों लिखिए, 2 4 1 3 1 4। समझ में आया ना हम क्या किए? काउंट करिए पहले कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक हो जाएगा 5 15, और एक हो जाएगा ये खुद, समझ में आया। तो
आप सीरियल वाइज चलेंगे तो आपका एक भी मिस नहीं होगा और ना भी एक बार एक रिवाइज भी नहीं होगा, नहीं तो कई स्टूडेंट्स एक ही चीज दो बार लिख देते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए क्या किए, सिंगल सिंगल लिखे, डबल डबल लिखने के लिए पहले ये दोनों लिखे, फिर ये दोनों लिखे, फिर ये दोनों लिखे, फिर ये दोनों लिखे ना, या इसको लो इसके साथ लिख लो, इसको इसके साथ लिख लो, इसको इसके साथ लिख लो, फिर इसको लो तीनों के साथ लिख लो, फिर इसको तीनों के साथ, फिर इसको तीनों के साथ। लेकिन चेक कर लेना, जैसे इसको इसके साथ जब लिखे तो इसको इसके साथ अब मत लिखना क्योंकि वो तो हो ही चुका है। पहली बात, तीन तीन का जब पेयर बनाना है तो पहले तीन को लिखिए आप, फिर इसको छोड़ दीजिए इस तीन को लिखिए, फिर दोनों को छोड़ दीजिए इस तीन को लिखिए, मतलब ये दोनों और पहला वाला, फिर इसको भी छोड़ दीजिए ये तीन, मतलब ये और पहला दूसरा वाला। तो ये आप कर लेंगे, आप पहले एक्सरसाइज में किए भी हैं, रिवाइज जरूर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। पहले बोल रहा है कि ए और बी दो सेट है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और ये जो चीज है ये तीन जो ऑर्डर पेयर है वो ए क्रॉस बी में है। वैसे आप बताइए ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, ए में अगर 3 है बी में 2 है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 6, जिसमें से 3 दिया है। बोल रहा है कि ए बी आप हमें बता दीजिए क्या होगा, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, तो आप हमें बताइए ये ए क्रॉस बी का अगर एलिमेंट्स है तो ये फर्स्ट वाला किसका एलिमेंट होगा, ए का, तो ये तीनों हम लिख दिए, तो ए में तो 3 था ही, मतलब यही 3 रहा होगा। बी पे आइए, ये दूसरा वाला किसका एलिमेंट रहा होगा, बी का 1 2 1, तो 1 2 1 तो फिर लिखेंगे नहीं क्योंकि लिख ही चुके हैं, और बी में 2 ही एलिमेंट्स था तो ये लिखे ही है, आ ही गया। ठीक, तो दोनों के हेल्प से ए और बी अलग अलग हमें मिल गया। अब ए क्रॉस बी का 3 ही एलिमेंट दिया था, टोटल तो 6 एलिमेंट्स होंगे। अगर पूछता क्वेश्चन में बाकी के 3 कहाँ हैं, तो बाकी के 3 आप लिख लेते कि नहीं, x1 x2 y1 y2 z1 z2, जिसमें से 3 गिवेन और 3 एक्स्ट्रा आ जाता। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1 का, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, एन ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9, अमंग व्हिच आर फाउंड दिस एंड दिस, जिसमें से 2 ये और ये हैं, तो सेट ए फाइंड करना है। आप बताइए ए क्रॉस ए का बात कर रहा है, मतलब पहले में प्लेस पे भी ए का ही एलिमेंट होगा, दूसरे प्लेस पे भी ए का ही एलिमेंट होगा, तो क्लियरली ए इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं, पहला -1 ले लेते हैं, दूसरा 0 ले लेते हैं, फिर इसमें 0 तो लिख ही चुके हैं, 1 ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे भी ए का ही एलिमेंट होगा और ए क्रॉस ए है तो सेकेंड प्लेस पे भी ए का एलिमेंट होगा, तो ये ए के 3 एलिमेंट्स यहां से हम निकाल सकते हैं। अब ए क्रॉस ए में कर रहा 9 एलिमेंट्स हैं, मतलब ए के ये 3 एलिमेंट हैं, इसके अधिक होगा ही नहीं क्योंकि 3 × 3 तभी तो 9 आया होगा। बात क्लियर, अगर यहां बोलता 12 या 16 बोलता इसका मतलब एक एलिमेंट हम लोग का छूटा रहता, बट यहाँ पे 9 बोल रहा है मतलब 3 एलिमेंट्स जो मिले हैं वही रहे होंगे, इससे न कम हुए होंगे न इससे अधिक हुए होंगे। अब नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए का रिमेनिंग एलिमेंट बताइए, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, क्या होगा -1 को इन तीनों के साथ, -1 -1 -1 0 -1 1 0 को इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर में, 0 -1 0 0 0 1, अब 1 को इन तीनों के साथ 1 -1 1 0 1 1 ना, देखिए -1 को इन तीनों के साथ लिखे -1 0 1, फिर 0 को इन तीनों के साथ लिखे 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 को इन तीनों के साथ 1 -1 1 0 1 1,
खत्म। रिमेनिंग एलिमेंट पूछ रहा था तो बाकी ये दोनों हटा दीजिएगा, जैसे माइनस वन जीरो ये वाला हटा के और जीरो वन ये वाला हटा के लिख दीजिएगा नीचे रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दिस दिस बाकी सेवन ना। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के इंट्रो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक इस एक्सरसाइज को और एग्जांपल्स रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बाय, कीप लर्निंग।